जनादेश आता है उसके आगे जब स्पष्ट शब्द लग जाता है तो लगता है अब सब कुछ तय और तुरंत फुरत होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस 5 दिन बाद भी बरकरार है। शिंदे भी रिजल्ट देखते थे और जब उन्होंने देखा कि बीजेपी का आंकड़ा 110 से ऊपर जा रहा है, उसी वक्त उन्होंने पूछा कि अरे इनके नंबर इतने कैसे बढ़ रहे हैं, तो तभी कहीं ना कहीं पहली बार वो घंटी बजी। महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, लगभग तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने हैं ना, उसके बाद महाराष्ट्र में हर कोई नाम बिलीवेबल लगने लग गया है। जो आदमी खुद नहीं सोच रहा है कि उसको मंत्री बनने का भी मौका मिलेगा, उसका नाम भी चल रहा है कि उसको मुख्यमंत्री पद के रेस में वो हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने, मैंने सुना है, एक सर्वे भी दिखाया है जिसमें ये कहा गया कि वो महाराष्ट्र के सबसे बेस्ट कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के लिए। 3 सर्वे इनफैक्ट। बिजनेस दोस्ती होती है ना, वो ज्यादा ठीक चलती है। इमोशंस आ गए तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है, तो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला मामला है, तो उनको फ्रेंड्स विद बेनिफिट ज्यादा बेटर लगता है मेरे ख्याल से। अजीत पवार वाज वेरी क्वाइट एंड स्माइलिंग। इतनी जल्दी तो निर्णय तक नहीं पहुंचते, वरना राजनीति का मजा ही कहां है। राजनीति में थोड़ा बहुत तो खींचतान होनी चाहिए, वरना फिर कॉर्पोरेट नौकरी कर ले व्यक्ति। अगर आपको पता चले, नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी हूं। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है, नाम है नेता नगरी। हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों पर विस्तार से बात। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। 288 सीटें हैं, 230 पर महायुति जीती है। पार्टी नंबर 1 बीजेपी बनी है, साथ में शिवसेना है और एनसीपी का अजित पवार गुट है। पर अभी तक ये तय नहीं हो पाया, 23 नवंबर का आया नतीजा, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और सत्ता की शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। पट्टियां चलती रहती हैं, शिंदे, पवार और फडणवीस दिल्ली आए, अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई, विनोद तावड़े के साथ अमित शाह की मीटिंग हुई, जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, शिंदे वापस गए, फिर उधर सामने से कटाक्ष आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के, कभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के। इन सब के बीच कहा गया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाराज होकर सातारा चले गए आदि इत्यादि। शुक्रवार को जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मूलों पर बात चल रही और चल रही खानाफूसी। इसलिए हमें लगा क्यों ना विस्तार से बात की जाए, बुलाया जाए उन पत्रकारों को जो पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति पर विस्तार से नजर रखे हुए हैं। एक एक करके आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर साहिल जोशी जी। साहिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में एक बार फिर से। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार और इलेक्शन दैट सर। नमस्कार नमस्कार सौरभ, नमस्कार। हमारे साथ हैं मिडडे के पॉलिटिकल एडिटर धर्मेंद्र जोरे सर। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। साहिल जोशी सर, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। बातें हो क्या रही अंदर खाने जो तय नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या मांग रहे हैं शिंदे भाजपा से? मेरे ख्याल से शिंदे के वजह से ये तय नहीं हो पा रहा ऐसा नहीं मुझे लगता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिले करना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि तुरंत अगर कर लिया ना तो लोग बोलना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आप नजर डालो तो शुरू कर दिया कि देखियो बीजेपी ने जैसे ही नंबर मिल गया शिंदे को किनारा कर दिया एक तरीके से, तो वो थोड़ा सा एक ठंडा करके खाने में जरा मजा आता है। लोग थोड़े से टेंडर हुक पे रहते हैं, और अगर तुरंत दे दिया तो लोगों को लगता है कि भाई हक है मेरा। अगर आराम से दिया तो उसकी अहमियत समझ में आती है, तो शायद वो खेल उस पर चल रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप नजर डालो तो उसके वजह से ना स्पेकुलेशन को बहुत ज्यादा मौका मिल गया है आज की स्थिति में। और जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने हैं ना, उसके बाद महाराष्ट्र में हर कोई नाम बिलीवेबल लगने लग गया है। अगर आप धर्मेंद्र या किसी से पूछो तो पता चलेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे किस किस के नाम चल रहे हैं। जो आदमी खुद नहीं सोच रहा है कि उसको मंत्री बनने का भी मौका मिलेगा, उसका नाम भी चल रहा है कि उसको मुख्यमंत्री पद के रेस में वो हो सकता है। खास कॉम्बिनेशन रख रहा है। क्या 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 नाम चल रहे हैं सर व्हाट्सएप पे? देखिए, एक एक नाम तो मैंने सुना देवयानी फरांदे की, जो विधायक है नासिक से, उनका एक नाम सोशल मीडिया पे चल रहा था। फिर एक मुरलीधर मोहोल जो अभी अभी पहली बार सांसद बने हैं, पुणे के मेयर थे और उनको अभी सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया, MOS सिविल एविएशन उनके पास में है, सिर्फ वो मराठा इसके लिए उनका नाम चल रहा है। फिर एक डोंबिवली के विधायक हैं और PWD मंत्री रहे थे रविंद्र चव्हाण, उनका नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है। मतलब आप किसी का भी नाम ले लो, उनका नाम चल सकता है, ऐसी स्थिति बना के रख दी है। लेकिन तो ये तो पूरा मामला है आज की स्थिति में।
मामला इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि शिवसेना की तरफ से जिस तरीके से पहले तीन दिन अलग अलग थियरीज ओपनली फ्लोट की गई, नॉट इवन पीछे से जो खबर देते हैं ना उस टाइप से भी नहीं, ओपनली उन्होंने आकर कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होने चाहिए। और तीन बातें उन्होंने रखी उसमें। पहला, उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उसके वजह से उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई अगर आपको उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से खत्म करना है आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में या बाकी चीज में, तब आपको उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और तीसरी बात जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट रही। तीसरी बात उन्होंने सीधा जात पे उतर आए क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मराठा चेहरा अगर नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए एकनाथ शिंदे को आप बना दीजिए। तो ये तीन बातें चलती रही तीन दिन तक। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कहा गया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी जानकारी है कि जिस रात को शाम दोपहर को एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके एक रात पहले दिल्ली में कोई मीटिंग हुई थी बीजेपी के नेताओं की, कुछ 10-15 नेता उसमें थे और आखिरकार प्रधानमंत्री का उसपे वेटो चला और उन्होंने कहा कि नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का नाम तभी करीब करीब फाइनल हुआ है, लेकिन जब तक अनाउंस नहीं होता है तब तक बीजेपी के इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा और मैं भी वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। तो तभी वो बताया गया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अब वो मामला पूरी तरीके से रुक गया है। उसके बाद दिल्ली चले गए सब लोग। तो दिल्ली में जो मेरी जानकारी है, अमित शाह ने तीनों नेताओं से अलग अलग बातचीत की है और सबको पूछा गया कि भाई मंत्री कितने बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से कहा गया है, फडणवीस कह रहे हैं कि 24 मंत्री हमको बनाने चाहिए, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमको होम पोर्टफोलियो दीजिए, उनके डीसीएम पद को लेकर भी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे कहा गया है कि भाई एकनाथ शिंदे शायद डीसीएम बन जाएंगे क्योंकि इसके मंत्री पद से बाहर लेकर रहकर पार्टी चलाना वगैरह बहुत मुश्किल रहेगा, तो उनको मंत्रिमंडल के अंदर आना होगा और वैसे ही पार्टी चलानी पड़ेगी क्योंकि अब तक उन्होंने खुद किसी पद पर रहे बिना पार्टी नहीं चलाई है, तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से पद पर आना होगा, सत्ता में आना होगा और पार्टी चलानी पड़ेगी। ये फिलहाल मुझे यहां पर नजर आ रहा है और एज अ स्ट्रेटेजी उनके लिए ठीक रहेगा क्योंकि उनके जितने सारे विधायक उनके साथ में हैं, उनके अगर काम होते रहेंगे तो वो उनके साथ में बने रहेंगे और चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर वो डिप्यूटी सीएम बने रहे तभी वो ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो डेडलॉक दरअसल यहां से शुरू हो गया कि एकनाथ शिंदे कहीं जो तीन दिन वो बोल रहे थे उनके तरफ से कहा जा रहा था एकनाथ है तो सेफ है वगैरह वगैरह जो सारी स्लोगन्स दी जा रही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिना डायरेक्ट शब्दों में उन्हें प्रॉमिस किया गया था या कहा गया था कि आपको हम रिपीट कर देंगे परफॉर्मेंस, अगर आप लेके आए तो हम आपको रिपीट कर देंगे। 23 तारीख को जैसे जैसे रिजल्ट आने लगे, मुझे किसी ने कहा कि एकनाथ शिंदे भी रिजल्ट देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि बीजेपी का आंकड़ा 110 से ऊपर जा रहा है उसी वक्त उन्होंने पूछा कि अरे इनके नंबर इतने कैसे बढ़ रहे हैं, तो तभी कहीं ना कहीं पहली बार वो घंटी बजी कि हो सकता है कि इस बार अब बीजेपी बोलेगी कि हमको बनाना है करके, क्योंकि उम्मीद उनको भी ये थी कि बीजेपी 90-95 तक सिमट जाएगी, एकनाथ शिंदे 50 के ऊपर चले जाएंगे और फिर वो दावा रख पाएंगे कि देखिए मैं मेरे वजह से सत्ता आई है तो मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए करके। लेकिन 23 तारीख की शाम को ही उनको कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि ये हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको लगा कि शायद जो पहले वादा कहे या पता नहीं बातचीत उनकी क्या हो गई थी, कुछ हिंट दिया गया था, जो भी है उसके हिसाब से उन्हें लग रहा था कि शायद उनको मौका मिलेगा। अब बीजेपी भी दूसरी बार लगातार उस खेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे ने खुलकर कहा था कि भाई वादा किया था, वादा खिलाफी की है बीजेपी ने। अब दोबारा वही कॉन्वर्सेशन अगर होने लगेगा तो लोगों को बिलीव होगा कि भाई उद्धव ठाकरे को भी इन्होंने फंसाया है, उनको गलत तरीके से वचन दिया था वगैरह, तो उसके लिए वो थोड़ा टाइम जाना पड़ा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है, अब ये कह सकते हैं हम लोग कि उनके पास चॉइस है चॉइस ही नहीं है इसके लिए वो कर रहे हैं या जो भी कहे, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है कि आज की स्थिति में बीजेपी से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, केंद्र में सत्ता है, महाराष्ट्र में उनको 133 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो काहे पंगा लेना, उससे अच्छा बेटर है कि भाई जितने लोगों को अकोमोडेट कर सको सत्ता में ले आओ, अलग अलग चीजें मंत्री पद ले लो जो मिल सकता है और उसके आधार पर पार्टी चलाते रहो। क्योंकि मुझे एक एनसीपी के नेता कह रहे थे कि देखो जो भी फैसला हो जाए 29 में तो अकेले ही लड़ना है, साथ में तो लड़ने वाली है नहीं बीजेपी हमारे साथ, तो ये पकड़ के चल रहे हैं कि ये सरकार बन भी जाएगी तब भी 29 में अकेला चलो रे करना है, नए सिरे से पॉलिटिकल अलाइनमेंट हमें करनी है, जो बचेगा वो लड़ेगा, तो बचते हैं फिलहाल सरकार में आकर और आगे बढ़ते हैं, ये अप्रोच कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। एक शिवसेना के मंत्री है
वो मुझे कह रहे थे कि जैसे ही एकनाथ शिंदे वर्षा से निकलकर थाने चले गए ना, हमें लगने लग गया कि भाई शायद इनको लगने लगा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो एक सिंबॉलिक था उनके लिए, बट तभी से उनको लगने लगा था कि शायद वो नहीं बनेंगे। बट एक लास्ट डिच एफर्ट उन्होंने जरूर किए और मुझे लगता है कि फिलहाल तो वो बीजेपी के साथ रहेंगे और आगे चलकर उनका देखना पड़ेगा। लेकिन इंटरनली बहुत ज्यादा टसल चलता रहा फडणवीस और एकनाथ शिंदे का, बैक्ड बाय सम लीडर्स फ्रॉम द बीजेपी, ऐसा मुझे लगता है। और वो चीज देवेंद्र फडणवीस भी शायद याद रखें। तो जो भी मिनिस्ट्री बनेगी, मेरे मुझे लगता है कि वो भी स्टेबल, गवर्नमेंट स्टेबल होगा लेकिन पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होगा। पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी और हमें कई सारी नेतानगरी इस तरीके से करनी भी पड़ेगी शायद। अजित पवार बहुत खुश होंगे इस पूरी स्थिति से? बिल्कुल 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 बहुत खुश है। दो वजह से खुश है। एक तो ये कि चाचा का जो चैलेंज था ना, उससे वो बच गए। मतलब 41 उनके खुद के लोग भी 30 से ज्यादा नहीं लेके जा रहे थे आंकड़ा, तो उनके लिए तो बम्पर लॉटरी लग गई। 41 इज लाइक उनके लिए ड्रीम हो गया एकदम। और दूसरी बात यह है ना कि फडणवीस के साथ उनकी अच्छी जमती है, तो कम से कम उनको इतना पता है कि सरकार में अड़चन तो नहीं आएगी उन्हें सरकार चलाने में, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी और आगे का सोचने के लिए जो एक ब्रीदिंग पीरियड उनको चाहिए था ना, वो उनको मिल जाएगा। क्योंकि अगर 30 से नीचे रहते तो ना सरकार में हैसियत रहती, ना राजनीति में हैसियत रहती, और बिना सत्ता के पार्टी चलाना ये उन्होंने कभी किया ही नहीं, तो उनके लिए भी वही चैलेंज होता जो शिंदे के लिए चैलेंज है। और अजित पवार की वजह से बीजेपी के पास बेटर बार्गेनिंग चिप है एकनाथ शिंदे के सामने? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उनके लिए बेटर बार्गेनिंग चिप है। और जो बिहार पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, वो अजित पवार खुद बिहार पैटर्न की बात कर रहे हैं और वो तो मुख्यमंत्री पद आप रख लो ये भी कहने के लिए तैयार है। क्योंकि उनका बार बार ये कहना है कि भाई हम लोग दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं लेकिन प्रैक्टिकली साथ में आकर सरकार चला सकते हैं, दोनों का लिमिटेशन हमें पता है और उसी लिमिटेशन पे हम लोग आगे चलेंगे तो दोनों का भला होगा। वो झंझट नहीं है कि मैं हिंदुत्ववादी असली कि आप हिंदुत्ववादी असली, ये मुद्दों का लेकर अपने झगड़े नहीं होंगे, प्रैक्टिकल पर्पज से झगड़े होंगे। तो हमेशा जो प्रैक्टिकल या कहते हैं हम लोग जिसे कहते हैं कि बिजनेस दोस्ती होती है ना, वो ज्यादा ठीक चलती है। इमोशंस आ गए तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला मामला है, तो उनको फ्रेंड्स विद बेनिफिट ज्यादा बेटर लगता है मेरे ख्याल से अजित पवार, और वो उससे बेटर काम कर सकते हैं। इसलिए देखो ना, 2014 तक जिन्होंने उनको विलन बनाया उन्हीं के साथ में ठीक से काम करने की तैयारी उनकी, ये उन्होंने चाचा से सीखा है। 99 में कांग्रेस से बाहर निकाला गया उनको, फिर भी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाते समय उनको दिक्कत नहीं आई, ही कुड सिट ऑन द सेम टेबल और बराबर बना लिया उन्होंने। उसी तरीके से अजित पवार को भी वो दिक्कत नहीं आई कि देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलेंगे, बात करेंगे और सरकार में चले जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश है आज की स्थिति में, और ये सर्वाइवल की भी खुशी है, हो सकता है कि आगे बढ़ने के लिए भी उनको काम आ जाएगा। जी साहिल जी, वेलकम बैक टू यू। राजदीप सरदेसाई, दिल्ली में कई जोरदार मीटिंग हुई, सुनील तटकरे के घर पर मीटिंग हुई पवार की, फडणवीस की, उसके बाद अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई। दिल्ली की बैठकों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? साहिल ने जो बताया उससे अतिरिक्त क्या क्या डिस्कशन चल रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो मीटिंग्स हुई, खास करके अमित शाह जी के घर जो मीटिंग हुई जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी एक मीटिंग में शामिल थे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, उसमें साफ उनको कहा गया कि देखिए मुख्यमंत्री पद भाजपा लेगी। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई जो अजीत पवार और उसके जो साथी थे वो तुरंत मान गए। एकनाथ शिंदे ने आपने देखा होगा उसके एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये भी कहा था कि जो दिल्ली की जो सरकार है जो कहेगी वो मुझे वो मैं मान लूंगा। तो मुख्यमंत्री पद के को लेकर जो पहले 3-4 दिन जो असमंजस था वो खत्म हो गया है, लगभग तय है। अब मैं लगभग कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, लगभग तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कई नाम दिए गए पिछले दिनों से जैसे साहिल ने कहा, लेकिन उस पर कोई उस पर कोई मुझे नहीं लगता कोई तत्व है, देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना है, और इसीलिए ये मीटिंग पर के बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, एकनाथ शिंदे का कहना है ये तो ठीक है कि आप मुख्यमंत्री पद ले रहे हैं लेकिन जो मंत्रालय डिवाइड होंगे उसके लिए कोई एक ठोस फॉर्मूला होना चाहिए। जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे का कहना था गृह मंत्रालय, जैसे देवेंद्र फडणवीस
पिछली बार जब उप मुख्यमंत्री थे उनके पास गृह मंत्रालय रहा, जब वो मुख्यमंत्री थे उनके पास गृह मंत्रालय रहा, अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मुझे भी गृह मंत्रालय चाहिए। ये उनकी एक डिमांड है कि जो मंत्रालय है कम से कम, अगर हमें आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि मुझे वादा किया गया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर मैं नेतृत्व पार्टी का करके जीत बड़ी जीत दिलवा दूं, लेकिन उनका कहना अगर चलिए आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, स्थिति बदल गई है, मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो अहम मंत्रालय है उसमें गृह मंत्रालय पिछले हमने देखा है कई सालों से बहुत अहम होता है, क्योंकि पुलिस यंत्रणा पर आपकी कंट्रोल होती है, उसके जरिए आप एक तरह से अपने विरोधियों को और अपने साथियों को बचा सकते हैं, और विरोधियों के खिलाफ अगर मुहिम चलानी है तो आप चला सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिले, इसके साथ साथ जो प्रमुख मंत्रालय है अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, इसमें से दो या तीन मंत्रालय उनको मिलने ही है उनका कहना है। तो ये जो मामला है इस पे बात कल अड़क गई, तब उनको कहा गया जो मेरी जानकारी है कि आप वापस मुंबई जाकर अपने लोगों से बात करके इसको सुलझा दीजिए, ये दिल्ली में अमित शाह जी नहीं सुलझाने वाले किसको कौन सा मंत्रालय है, ये आप तीन बैठकर इसको सुलझाइए। ये जो हुआ है इसके बाद आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देना चाहते, और आज जो महायुति की मीटिंग यहां मुंबई में होनी थी वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को पता है कि अगर इस समय वो हार्ड बार्गेनिंग नहीं करें तो उनकी कमजोरी का फायदा पूरी तरह से अजीत पवार और फडणवीस उठाएंगे, और शिवसेना को कहीं ना कहीं जो उनके विधायक जो आए थे उनके साथ, वो तो मंत्रालय सोचकर ही आए थे, 2022 में एकनाथ शिंदे डिक्टेट एक तरह से कर पाए, उनको मुख्यमंत्री पद मिला और उनके कई मंत्रियों को मलाईदार मंत्रालय मिले, वो अब इस बार शायद ना हो, इसलिए ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे ने कि मुझे अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको आगे ले जाए। एकनाथ शिंदे जानते हैं उनकी लिमिटेशन जानते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ये भी जानते हैं कि आज बीजेपी को थोड़ी बहुत उनकी जरूरत है, दो ढाई महीने में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अन्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव होंगे। एकनाथ शिंदे ने, मैंने सुना है, एक सर्वे भी दिखाया है जिसमें ये कहा गया कि वो महाराष्ट्र के सबसे बेस्ट कैंडिडेट है मुख्यमंत्री के लिए, तीन सर्वे, इनफैक्ट उन्होंने तीन सर्वे दिखाए अलग अलग जिसमें ये कहा गया वो आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता है। उनका कहना है कि ये सर्वे तो ये बता रहे हैं, तो उन्होंने ये दबाव डाला है, वो जानते कि मुख्यमंत्री पद शायद उन्हें ना मिले, लेकिन दबाव डालकर कम से कम वो मंत्रालय मिले जो नहीं तो बीजेपी आज की तारीख में शायद अपने लिए रखे। उनका कहना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं तो फिर जो दो उप और अजीत पवार को फाइनेंस मिलता है तो फिर उनको अर्बन डेवलपमेंट केवल मिलने से उनका जो कद है वो कम हो रहा है। तो देवेंद्र एकनाथ शिंदे इज बार्गेनिंग हार्ड एट द मोमेंट। ये एक पहले उनके एक नेता ने मुझे कहा कि व्हाई नॉट केवल बिहार मॉडल ही नहीं, व्हाई नॉट हैव टू एंड अ हाफ ईयर, ढाई ढाई साल, और उनका ये भी कहना था क्योंकि ये चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया तो पहले ढाई साल उनको मिलने चाहिए और उसके बाद भाजपा को। ये बात भाजपा ने साफ नकारी कि ये नहीं हो सकता महाराष्ट्र में। अब तो लगातार दबाव डालते रहे। अब आप देखेंगे मिलिंद देवरा का आज ट्वीट भी है कि देवेंद्र की एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लोकप्रिय नेता है, तो वो बार बार ये बात दोहराना चाहते हैं, मराठा नेता है, लोकप्रिय नेता है, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री लाडली बहन स्कीम सबसे यशस्वी स्कीम रही, और उनको लगता है कि अगर वो हार्ड बार्गेन करे तो कम से कम मैक्सिमम मंत्रालय वो अपने पार्टी के लिए लाए ताकि जब तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव हो उनकी जो एक तरह से पार्टी पर पकड़ है, उनकी जो इमेज है वो इम्पोर्टेंट रहे। तो ये हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको कहूं, मैंने अजीत पवार के एक नजदीकी को पूछा कि फिर इस सब में अजीत पवार क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा अजीत पवार वॉज वेरी क्वाइट एंड स्माइलिंग। अजीत पवार ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। प्रफुल्ल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर दी दिल्ली में अजीत पवार के लिए ताकि एक इमेज जाए कि अब अजीत पवार नेशनल लीडर बन गए हैं, नेशनल पार्टी के हैं,
और प्रफुल्ल पटेल शायद चाहते हो कि उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जून के महीने में जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब एनसीपी को ऑफर किया गया था कि आपको एक एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा, जो प्रफुल्ल पटेल ने कहा नहीं, मैं पहले केंद्रीय मंत्री था, मैं एमओएस नहीं बन सकता। अब दोबारा उनकी कोशिश हो सकती है कि इस बार मुझे यूनियन मिनिस्टर बनाया जाए। और ये बात अमित शाह के मीटिंग में नहीं उठी, लेकिन आप देखेंगे अगले एक दो महीने में कोशिश रहेगी एनसीपी शरद एनसीपी अजीत पवार गुट की कि कम से कम हमें एक इंपॉर्टेंट फुल कैबिनेट रैंक मंत्रालय मिले। तो अजीत पवार एक अलग टेंजेंट पे है, वो जानते हैं उनकी महाराष्ट्र में लिमिटेशंस है और वो जानते हैं अगले दो ढाई साल वो कुछ नहीं कर सकते। अगले दो ढाई साल वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर उनको मिले वो उसे कंटिन्यू करेंगे। उप मुख्यमंत्री पद का रिकॉर्ड एक तरह से छठी बार मुझे लगता है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बट एकनाथ शिंदे इज द वन हु इज क्रिएटिंग द हर्डल इन टर्म्स ऑफ। मैं और एक लास्ट बात आपको बताऊं, तीन दिन पहले हमने एक फ्लैश चलाया टीवी पे, एकनाथ शिंदे रिकंसाइल्ड यानी उन्होंने वो लगभग मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तुरंत एक शिंदे सेने का नेता का फोन आया, ये कैसे आप हेडलाइन लगा रहे हैं, हम फाइटर हैं, हमने कहां गिव अप किया है। यानी आप देखिए एकनाथ शिंदे लगातार एक हार्ड बार्गेन कर रहे हैं और उनको लगता है कि अमित शाह जी खास करके उनकी तरफदारी कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह की वजह से ही, और ये मैंने किताब में भी लिखा है कि अमित शाह की वजह से ही उन्होंने एक तरह से शिवसेना में बगावत की, जो भी किया आसान नहीं था उनका कहना है, और उनको लगता है कहीं ना कहीं अमित शाह उनका संरक्षण करके ये जो उनकी होम मिनिस्ट्री की डिमांड है या अन्य जो डिमांड है उसे मान जाए। तो ये हार्ड बार्गेनिंग चल रही है सौरभ भाई महाराष्ट्र में इस समय। ठीक है मिस्टर सरदेसाई, धर्मेंद्र जोरे जी, ये सब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, अजित पवार क्या कर रहे हैं, इस पर खूब बात हो रही है, अमित शाह का रुख क्या होगा, पर इस पूरी पिक्चर के हीरो नंबर वन तो देवेंद्र फडणवीस हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी 132 तक पहुंची है सबसे शानदार स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि सबसे डोमिनेंट कास्ट उनके खिलाफ थी, और शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष की भी पूरी तैयारी देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स को ध्वस्त करने पर थी। उनके कैंप में क्या चर्चा है धर्मेंद्र जोरे जी? सबसे पहले तो मैं इन दोनों के एक बात से सहमति जताना चाहता हूं, जैसे साहिल ने कहा कि जब तक हॉर्सेस माउथ से किसी का नाम नहीं आता तब तक हम लोग ये सीएम बन गया है इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरा भी वैसा ही है कि जब तक आप जिनका नाम ले रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस को जो मोस्ट प्रोबेबल या इनका ही होना है कि जब तक उनका नाम नहीं होता अनाउंस, और यहां तक जब तक उनकी बाकायदा वो राज्यपाल के पास राजभवन नहीं जाते दोनों पार्टियों का सहमति पत्र सपोर्ट लेटर लेकर, तब तक देवेंद्र फडणवीस कैंप के लोग इस बात पे विश्वास रखेंगे कि नहीं। इसकी आप जो बात पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि उनकी समझ यहां तक है कि जब तक नहीं होता नाम, जब तक ये अनाउंस नहीं होता तब तक हम किसी भी बात पे या किसी भी चर्चा पे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ऐसा हर जगह अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके पीछे इतिहास भी है, एक 19 का है दो बार का और 22 का है, तो इसकी वजह से, और बाद में जो यूपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उस बात का भी। तो शायद कुछ लोग जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी जानते हैं वो भी शायद थोड़े साशंक है, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि समय पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% सहमति ये है सभी जगह कि देवेंद्र फडणवीस ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 2022 में जिसका जिक्र अभी जोरे कर रहे थे कि 2022 में जब ये अनाउंस किया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, तब ताज में जहां पर बीजेपी के सारे विधायक इकट्ठा थे ना, उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे, और मतलब लिटरली रंग उड़ गए थे, जो हम कहते हैं ना कि चेहरे से दिख रहा था सरकार आने की खुशी ही नहीं दिख रही। और उसी का कारण है कि अभी ना जो यूफोरिया नहीं दिख रहा है, जितने बहुमत से ये सरकार आई है उतना यूफोरिया जो सड़क पे दिखना चाहिए ना वो इसी की वजह से नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमेशा लगता रहता है उनको कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आसपास के लोगों को यह भी लगता है कि अगर इस बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, देखिए उन्हें ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में फिलहाल दिलचस्पी है ऐसा मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, न
ना केंद्र में मंत्री बनने में दिलचस्पी है, लेकिन एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए ये जरूर उनको लगता है, क्योंकि 19 में उनका दो बार चांस चला गया जबकि मैंडेट पीपल अलायंस को मिला था, 22 में वो सोच रहे थे कि उनको ये मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे भी है कि जिन्हें देवेंद्र फडणवीस से भेजा था कि भाई आप जाइए शिंदे के साथ में सरकार बनने जा रही है, आप पीछे मत हटिए वरना आप विपक्ष में रह जाओगे, तो ये सारी उनकी उनका ये था, तो उनको लगता है कि उसका एक चांस उनको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 133 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, और अगर अब भी वो नहीं बनाएंगे, कोई भी कारण दिया जाएगा कि भाई उनको तो अध्यक्ष बनाना था, मराठा फेस देना है, ओबीसी फेस देना होगा या जो भी है, तो वो बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स ही होगा जिसकी वजह से वो शायद बन नहीं पाएंगे। ये बात इनके मन में दृढ़ है एक तरीके से, तो ये विद इन बीजेपी जो चल रहा है ना उसके ऊपर भी निर्भर होगा। जितना मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हुई है उससे भी डबल चर्चा इस बारे में महाराष्ट्र में हुई, ये मैं जरूर कह सकता हूं। तो ये उनके मन में जरूर है, और मेरी जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी उनके उनके उनका नाम आना चाहिए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। 2025 में 100 साल जब पूरे होंगे तब महाराष्ट्र में बीजेपी का, खास करके आरएसएस का जो स्वयंसेवक रह चुका है वो मुख्यमंत्री बने, इसके लिए भी आरएसएस की कोशिश चल रही है। खास करके जेपी नड्डा ने पिछली बार बोला था इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा पर कि भाई अब उतनी आरएसएस की जरूरत नहीं रही, तो इस बार आरएसएस के लोगों का कहना है कि भाई हमने दिखा दिया कि हमारी जरूरत क्यों है, तो इसके लिए हमारा चेहरा होना चाहिए। देखिए 23 तारीख को रिजल्ट लगने के बाद जब नागपुर गए थे देवेंद्र फडणवीस, तब आरएसएस चीफ को भी मिल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां भी वो मिले हुए हैं, नितिन गडकरी के जाके उन्होंने आशीर्वाद लिए थे, तो आरएसएस के तरफ से भी ये है, तो ये उनको पता है उनके नजदीकी लोग। मैं एक और बड़ा फर्क है सौरभ जी, जब हम मध्य प्रदेश राजस्थान का जिक्र करते हैं जहां सरप्राइज फैक्टर हुए, या मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ हद तक राजस्थान में हुआ, यहां जितने विधायक चुनकर आए हैं वो मैक्सिमम देवेंद्र फडणवीस के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कल उनमें से एक मिला, मुंबई में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ट्राइडेंट होटल में रहते हैं ना तो वहां आपको कई विधायक मिलते हैं, वो मुंबई का एमएलए का एक अड्डा बन गया। तो मैं वहां चाय पी रहा था तो दो विधायक मुझे मिले, दोनों भाजपा के, एक मंत्री भी रहे हैं, तो वो उसी समय सागर जो जहां देवेंद्र फडणवीस का जो बंगला है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाने के पहले उनसे मिले थे, और उनको उन विधायकों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को लगभग एक इशारा दिया गया है आरएसएस की तरह से और भाजपा के नेतृत्व की तरह से कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस इतना ही है कि इस बार पावर शेयरिंग एक तरह से किस तरह से करें इस पर जोर दिया जाएगा, जो 2014 में शायद उस लेवल पर नहीं हुआ। 2014 में एक तरह से पूरा जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द केंद्रित हुई, वो इस समय नहीं हो पाएगा, और यही बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं अच्छी तरह। जैसे मैंने कहा उन्होंने 3 सर्वे दिखाए हैं, तीनों सर्वे में उनको महाराष्ट्र का सबसे नंबर वन लोकप्रिय नेता बताया गया, जो एक साल पहले अनथिंकेबल था, कोई ये नहीं सोचता था, या किसी भी सर्वे में आप देखें एकनाथ शिंदे का नाम ही नहीं था, अब उनको नंबर वन बनाया गया, तो वो भी ये बात जानते हैं। लेकिन फडणवीस भी जानते हैं कि ये उनका मौका है, सबसे ज्यादा विधायक उनके साथ है, मोहन भागवत और आरएसएस का उनको सपोर्ट है, केवल सवाल ये था कि क्या केंद्रीय जो हाई कमांड है क्या वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा या मोहन यादव जैसे किसी व्यक्ति को आगे करेगा, ये केवल व्हाट्सएप की चर्चा है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो कल विधायक मिले थे देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली जाने के पहले, उनको एक तरह से आश्वस्त किया गया है, नहीं मी होनार मी यू नो विदाउट सेइंग इन सो मेनी वर्ड्स, वो पब्लिकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको लगता है उनके चेहरे से एक बात साफ थी कि इस बार जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए गए हैं और देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे मुख्यमंत्री इस बार। अब सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे को आप कौन सा मंत्रालय देंगे और शिवसेना को पूरी तरह से किस तरह अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो शिवसेना यूबीटी और बाकी पार्टियां इसका फायदा उठाएगी और कहेगी यही तो हमारी चिंता है कि भाजपा जो है यूज और थ्रो पॉलिटिक्स करती है, जब इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करती है और जब निकालना है तो निकाल देती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको एकनाथ शिंदे की जो एक इमेज बन गई है उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ऑलमोस्ट सर्टेन टू बिकम
चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू राजदीप जी, वेलकम बैक टू यू। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जी जुड़ गए हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ जर्नलिस्ट हैं। सुधीर साहब कैसे हैं आप? बस ठीक है, बोलिए। हम लोग सत्ता पक्ष की तो बात कर रहे हैं, जरा विपक्ष के खेमे में बताइए, सांस आ रही है उनको कि हक्का बक्का है? क्योंकि हम लोग अखबारों में खबरें देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने कह दिया है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कि पहली बार में हमने गलती की, जो महाविकास गाड़ी में चले गए, कोई अलाइनमेंट नहीं था, अभी भी मौका है, अलग हो जाएं, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करें। कांग्रेस के नेता अंदर खाने कह रहे हैं कि हमारे सर्वे में भी दिख रहा था कि पार्टी की हालत पतली है, वगैरह वगैरह। कांग्रेस एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के खेमे में क्या चर्चाएं चल रही हैं इस बहुत बुरी हार के बाद? ये बहुत बुरी हार के बाद मेरे ख्याल से बुरी तरह कांग्रेस हो, शरद पवार गुट की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की यूबीटी शिवसेना हो, उनमें बहुत हड़कम जिसे हम कहते हैं भूचल मच गया है। कल तो कांग्रेस के जो विधायक थे, जिन्होंने विधायक नहीं कैसे जो कैंडिडेट थे, उनकी जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और गिर गए इलेक्शन में, ऐसे कैंडिडेट की मीटिंग तिलक भवन जहाँ पे दादर में वहां पे बुलाई थी। तो कांग्रेस ने कम से कम 103 सीटें लड़ी थी, 103 कैंडिडेट में ताज्जुब की बात है, सिर्फ 50 लोग आए थे मीटिंग को, आधा से ज्यादा लोग मीटिंग को आए भी नहीं कांग्रेस की जो कैंडिडेट की मीटिंग थी उसमें। तो एक तरह से ये भी दिखता है कि जो लोग गिर गए तो वो भी सोच रहे होंगे कि कुछ जाने कुछ फायदा नहीं, तो गिर गई तो पार्टी कुछ कुछ मतलब नहीं। तो मुझे लगता है एक तरह से मायूसी भी कांग्रेस कैंप में छाई हुई, और इस मायूसी को ब्लेम करने के लिए ईवीएम और बाकी चीजों के ऊपर ब्लेम उनका गेम जोरदार शुरू है। दो दिन से नाना पटेल वही चीज दोहरा रहे कि ईवीएम की वजह से कैसे हमारी हार हुई, नहीं तो हम हारती नहीं वगैरह, वो सब डाटा वगैरह सब चीजें ले रहे हैं, लेकिन उसमें जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं उसके बारे में कहना, उसके बारे में बात करना, मुझे तो उसके बारे में ठीक नहीं लगता। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ईवीएम पे ब्लेम करने से, एक भी चर्चा कांग्रेस में चल रही है कि नाना पटेले ईवीएम पे ब्लेम करने से जो उनकी जो कुर्सी एक दो दिन में जाने वाली है, तो वो कुर्सी थोड़ा बचाने के लिए, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो बचाने के लिए वो कवायद कर रहे हैं, इसलिए ईवीएम का सहारा वो ले रहे। अभी कांग्रेस हाईकमांड कितना ईवीएम पे ऊपर बिलीव करती और नाना पाटले को कितना वो संरक्षण देती, ये भी एक देखने वाला सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि नाना पाटले का तबदला ये आने वाले दिन में नहीं था, लेकिन कुछ दिन में तो होने का बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि कांग्रेस की हाईकमांड आज दिल्ली में भी उनकी बैठक भी है, सीडब्ल्यूसी मीटिंग है, वहां पे भी बैठक है, वो सब चीजों का पोस्टमार्टम होगा, सब चीजें सामने लेके आएंगी। दूसरी बात, उद्धव अपना शरद पवार की जो एनसीपी है वो भी ये चीज में लगी हुई है कि ईवीएम के ऊपर भी ठिकरा फोड़ा जाए, वही वो पुणे में हो, मुंबई में हो, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे। शरद पवार जी ने थोड़ा संदेह जताया था, लेकिन वो बड़े कद्दावर लीडर और वरिष्ठ लीडर होने के वजह से वो सब चीजें ऐसे खुल के बात नहीं करे। लेकिन जिस तरह के शरद पवार का एक वजूद था महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ी गहरी ठेच पहुंची है। शरद पवार के वो हमेशा कहते थे कि 90s-80s में मेरे साथ 60 MLA थे, उसमें से 50 छोड़ के गए, 10 ही बचे थे, जो 10 बचे उनके साथ में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर बाद में जो 50 चले गए थे सब हार गए थे नेक्स्ट इलेक्शन में। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार हो गया, जो लोग छोड़ के चले गए वो सभी लोग चुन के आए। मुझे लगता है शरद पवार की राजनीति में इतनी बुरी हार उन्होंने कभी देखी नहीं होगी, इतनी बुरी हाल उनकी पार्टी ने देखी है। जो अजित पवार जो अपने भविष्य की चिंता करते थे, वो अभी तो एकदम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बातचीत करने का ये सब देखिए, तो उनसे पता लगता है कि जो आने वाला जो दिन है वो अजित पवार का रहेगा, तो असली एनसीपी अजित पवार की रहेगी। और शिवसेना, शिवसेना में क्या चर्चा है उद्धव ठाकरे वाली? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में यही है कि कांग्रेस के साथ में जो हमको वोट मिलना है वो मिलता नहीं, जो मुस्लिम वोट है माइनॉरिटी वो तो हमको बिल्कुल मिल रहे। मुंबई में 20 में से 10 सीटें तो उनकी मुंबई में ही आई है, तो 10 सीटें रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से आई है, तो मुझे लगता है उनकी राह भी कठिन है, इतनी राह इजी नहीं है। बीएमसी तक वेट करेंगे कांग्रेस के साथ रहने का, या बीएमसी के पहले एग्जिट कर सकते हैं?
कर सकते, मुझे लगता है कि वो बीएमसी के पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक अलग यू नो प्रेजेंस है अलग पॉकेट्स में मुंबई में, और शिवसेना का अलग है, शिवसेना का हमेशा वोट बैंक वो मराठी रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ने से उनको मुस्लिम भी वोट ऐसे मिल रहे, तो मुझे लगता है कांग्रेस के साथ न जाते हो वो सभी सीटें लड़ सकते हैं, दो मेरे ख्याल से टू सेवन से ज्यादा भी सीटें, मैं जब बीएमसी कवर करता था 227 सीटें थी, 40,000 की करीब उनकी 1000 के करीब उनकी बजट है बीएमसी की, तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर दाव खेल सकते हैं। यू नो बीएमसी इलेक्शन मुझे लगता है कि शिवसेना का एक जो असली जो यू नो सामना कहते हैं उस लास्ट नेल इन द कॉफिन कीजिए, वो डिसाइड करेगी कि असली शिवसेना, ये तो बिल्कुल फाइनल हो गया कि एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा नंबर है तो उनकी शिवसेना है असली, लेकिन मुंबई में किसकी जो राज करता है वही असली शिवसेना ये भी कही जाती है मराठी लोगों में, तो मुझे लगता है कि एक बीएमसी का चुनाव बहुत ही अहम होगा, उस मिनी स्टेट असेंबली जैसा ये चुनाव होगा, उसमें क्या होता है उसके ऊपर काफी जो आने वाली जो राजनीति शिवसेना की मराठी मानुष की वो भी निर्भर रहेगी। थैंक यू सुधीर साहब, आपके पास रुक करेंगे। राजदीप जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस एनसीपी शरद पवार और शिवसेना खेमा, आगे की राह क्या होगी? राजनीतिक विश्लेषक खूब बात कर रहे हैं, पर इन पार्टियों के शीर्ष नेता क्या बात कर रहे हैं, उनकी भी तो कोई एनालिसिस होगी? देखिए जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब हरियाणा के नतीजे आए तो कहा गया कि केसी वेणुगोपाल की गलती, अजय माकन की गलती, इनकी गलती, उनकी है ना, सब दीपक बावरिया की गलती, अब महाराष्ट्र में गलती के लिए किसके सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? देखिए तीनों पार्टियों अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कांग्रेस आप देखेंगे और आज भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 5 बजे आज अभिषेक मनु सिंह भी एक डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए, तो कांग्रेस ने अपनी एक तरह से जो नाकामी हुई है महाराष्ट्र में उसका सिरा ईवीएम पर डाल दिया है। हरियाणा में आपने सही कहा व्यक्तियों पर डाला जा रहा था, यहाँ किसी व्यक्ति को पर इस तरह से नहीं डाला जा रहा है, हालांकि प्राइवेटली कई लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट यूनिट फेल हुई, कुछ लोग कहते हैं सुनील कानोगुलू जो उनके सर्वेयर है उन्होंने उनको मिसलीड किया, कोई और कह रहा है कि केंद्र के नेतृत्व है, राहुल गांधी ने पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहे इसमें और आए तो संविधान पर बात की, सही मुद्दे नहीं उठाए, वो तो प्राइवेटली कहते हैं, लेकिन पब्लिकली कांग्रेस का स्टैंड है कि ईवीएम ने में कहीं गड़बड़ी है और इस चुनाव के बाद ईवीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए या कोई रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए वीवीपैट, तो ये रही कांग्रेस। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ठोस बदल आने वाला है, शायद मुंबई कांग्रेस में हो सकता है ये कहा जा रहा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव के पहले कांग्रेस में भी कुछ मुंबई कांग्रेस में कुछ तब्दीलियां हो सकती है। रही फिर एनसीपी की बात, देखिए एनसीपी शरद पवार गुट को मालूम है कि एक तरह से वो जो उनकी लड़ाई अजीत पवार के साथ थी उसमें वो बहुत पीछे पड़ गए हैं, और उनके कुछ नेता जैसे जितेंद्र आवाड़ वो भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई शरद पवार के नेतृत्व पे उस तरह से डायरेक्टली उनमें से सवाल नहीं उठा रहा है, वो जानते हैं कि एक कमजोरी एक तरह से हो गई है, शरद पवार 84 साल के हैं, अगले चुनाव तक मुझे नहीं लगता वो उस तरह से राजनीति में सक्रिय हो पाएंगे, तो उनके लिए एक तरह से ये एक हताशा निराशा कहिए कि अब क्या होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति को वो जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। रही बात अब शिवसेना यूबीटी की, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी में सौरभ बहुत नेता जो आप उनसे प्राइवेटली कहें वो कह रहे हैं अब बस हो गया, ये जो एक तरह से जो उदारवादी एक इमेज बनाने की कोशिश की थी उद्धव ठाकरे की कि हम लिबरल हो सकते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, ये नहीं ज्यादा दिन अब चलेगा, शिवसेना को कम से कम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मराठी मानुष खासकर की और कुछ हद तक हिंदुत्व का झंडा लहराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उनके सामने जो दुविधा है, अगर आप लोकसभा के नतीजे देखें और विधानसभा के, ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना को यश मिला है कुछ छोड़कर, ज्यादातर वहां उनको मुस्लिम और कुछ हद तक दलित समुदाय का सपोर्ट मिला है। मुस्लिम जैसे आप लीजिए बांद्रा ईस्ट, वहां वरुण सरदेसाई ने जीशान सिद्दीकी को हराया, वो तभी हरा सकते थे जब उनको मुस्लिम समुदाय का एक तरह से सपोर्ट मिला, तभी वो उस सीट को जीत सकते थे। या बाइकला की सीट जो शिवसेना यूबीटी जीती है, वहां के जो मुस्लिम उमर खाड़ी के हैं उन्होंने उनको समर्थन किया।
अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीटें बहुत छोटी होती है, वहां आप मराठी मानुष के बलबूते पर कुछ सीटें जरूर जीत सकते हैं, लेकिन मुंबई में उत्तर भारतीय और गुजराती जो है वो पूरी तरह से भाजपा के तरफ गए हैं। तो शिवसेना को लगता है कि यूबीटी को एक बड़े तबके को कि कम से कम बीएमसी में हम अकेला लड़े और फिर चुनाव के बाद हम कांग्रेस या कांग्रेस जो जिनको कुछ मुस्लिम इलाकों में जरूर सीटें मिल सकती है उनके साथ हम समझौता करें। तो जो शिवसेना का एक बड़ा तबका है वो कह रहा है बीएमसी इज द राइट इलेक्शन जहां हम मराठी मानुष को लेकर अपनी जो असली रूप है वो एक बार फिर लोगों के सामने रखे। इस चुनाव में हमको कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार जिनका ज्यादा कोई अस्तित्व मुंबई में नहीं है उनके साथ गठबंधन ना करे। इंटरेस्टिंगली ठाकरे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अपने मीटिंग में इस पर कुछ नहीं कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा हमारी इस समय अभी भी जो टकराव मेन लड़ाई है बीएमसी में भी और महाराष्ट्र में भी वो भाजपा के साथ है और उस लड़ाई में को हम जारी रखेंगे। यानी उद्धव ठाकरे के उस पार्टी में भी किसी ने इस समय उद्धव ठाकरे को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया है लेकिन उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी है जैसे आप फोटो में संजय राउत को दिखा रहे हैं। कई जो शिवसैनिक है जो नेता है वो मान रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि संजय राउत जो है जिस तरह के वो जिसे कहते हैं भांडुप से भाषण, भांडुप में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज सुबह लेते थे, भांडुप एक मुंबई का सबब है, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से संजय राउत ने कुछ विवादास्पद बयान दिए उससे उनको नुकसान हुआ, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्टली एक मीटिंग से वॉकआउट किया जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उससे नुकसान हुआ। तो संजय राउत पर जरूर सवाल उठ रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्टली उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे को इस समय कम से कम जिम्मेदार नहीं ठहरा लेकिन जरूर विचारधारा को लेकर शिवसेना में अब एक उथल पुथल हुई है जो शायद अगले एक महीने में आप देखेंगे अगर चुनाव फरवरी के एंड में होने हैं तो शिवसेना इस चुनाव में अकेले जा सकती है। वो कह सकती है एमवीए जो था वो महाराष्ट्र के लिए है लेकिन जो जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह रही है कि इस चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे दिल्ली का चुनाव, उस तरह से मुंबई का चुनाव शायद शिवसेना यूबीटी अब अकेले लड़ेगी इस बार। शुक्रिया राजदीप जी। हमारे साथ हैं रजत सेठी जी, पिछली बार नेता नगरी में आए थे और उनकी विद्वतापूर्ण टिप्पणियों की काफी चर्चा हुई थी, दर्शकों ने बहुत पसंद किया। रजत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। सवाल बस एक है कि बीजेपी में दिल्ली में किन किन फॉर्मूलों पर बात हो रही है महाराष्ट्र को लेकर और क्या देवेंद्र फडणवीस समर्थक निश्चिंत हो सकते हैं इस बार दांव नहीं होगा उनके साथ? पहली बात तो ये है 5-6 दिन ही हुए हैं चुनाव के रिजल्ट को आए हुए और कौतूहल बहुत ज्यादा है एनालिस्ट में, पत्रकारों में, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे जितनी भी बीजेपी की जहां जहां प्रचंड जीत हुई है कहीं पर भी इतनी जल्दी तो निर्णय तक नहीं पहुंचते वरना राजनीति का मजा ही कहाँ है। राजनीति में थोड़ा बहुत तो खींचतान होनी चाहिए वरना फिर कॉरपोरेट नौकरी कर ले व्यक्ति। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना जस्टिफाइड है और आप ऑपोजिशन की के स्टेटमेंट्स भी सुन रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जी बोल रही हैं कि देखिए इन्होंने अपनी अस्मिता दिल्ली के चरणों पर रख दी, तो ये रीजनलिज्म टाइप का कार्ड खेलने की कोशिश है। बट अमावस्या है, अभी इस दौरान कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, विधायक दल की बैठक नहीं हुई है बीजेपी की, तो नाम तो बिना उस औपचारिकता के तो पूरा हो नहीं सकता और विधायक दल के लिए पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर जो हैं उनका पहले नाम आएगा, वो जाएंगे सारे लोगों से मिलेंगे, तो एक प्रक्रिया है और जल्दबाजी में मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी है इतने प्रचंड बहुमत को का स्वाद ले रही है, सेंट्रल लीडरशिप भी ले रहे हैं, स्टेट भी ले रहे हैं, तो ये जो पूरी जो पूरा खींचतान हम लोगों को दिख रहा है और एनालिस्ट को दिख रहा है दरअसल ऑन ग्राउंड थोड़ी बहुत रसाकसी जो होगी वो पोर्टफोलियोस को लेकर ही होगी, उसके बियॉन्ड कोई ना कोई सरप्राइज होने वाला है मेजर और ना ही कोई ऐसी कोई बेचैनी है किसी भी कैंप में कि उनके कि कुछ आउटलायर इवेंट हो जाएगा जिससे कि परिस्थिति काफी बदलने वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग आराम से जो हल्की धूप है उसको एंजॉय करते हुए दिल्ली में आ रहे हैं। अजीत पवार आए अपने नए ऑफिस में गए, नए कार्यालय में गए, जाके वहां से ऐलान किया कि वो दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे, तो सब लोग अब रिलैक्स्ड हैं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अपोजिशन रिलैक्स नहीं है। अपोजिशन का तो ऐसा बादल फटा है कि अब
देखिए कई बार ये होता है भी कार्यकर्ताओं को नेता फेस भी नहीं कर सकता है, बोलेगा क्या कार्यकर्ता को, हारे क्यों नेताजी? तो नेताजी इसलिए हार गए कि कोई तो बहाना एक जेन्युइन लगना चाहिए। तो एक एक फसाद क्रिएट किया जाएगा, एक ड्रामा रहेगा, कुछ दिन चलेगा वो ड्रामा, 99% बैटरी थी ईवीएम में, इस गांव में ये हो गया, उस गांव में ये हो गया, कहीं कोई एक वोट का ऊपर नीचे ढंग के प्रूफ के साथ अभी तक तो नहीं आया है। लोग डेटा डालते हैं, उसका तुरंत काउंटर पब्लिक ही कर देती है ऑनलाइन। तो ये नैरेटिव, इसीलिए ईवीएम के आसपास का नैरेटिव हरियाणा में भी हमने देखा, कुछ दिन चला, बट फिर नेता भी जानते हैं कि चलो एक एक्सक्यूज दे के कम से कम कार्यकर्ताओं का बैकलैश नहीं मिलेगा, और वापस से स्थिति अपने घूम फिर के अपने जहां से शुरू हुई थी उसी इनर्शिया के पॉइंट पर आके रुक जाएगा। आपने देखा ही हरियाणा में तो कुछ नहीं हुआ बदलाव, ना कांग्रेस का आज तक कोई LOP बना है, ना उसके कोई स्टेट के उसमें कुछ फेरबदल आया है। वही कुछ परिस्थिति आपको तीनों पार्टियों में देखने को मिलने वाली है, महाराष्ट्र में भी। शरद पवार भी कहीं नहीं जाएंगे, सुप्रिया सुले शरद पवार जी वर्चस्व बनाए रखेंगे, और उद्धव ठाकरे में भी कैंप में भी आदित्य ठाकरे ही शॉट लेंगे, और कांग्रेस में भी देखिए कुछ खास परिवर्तन होने नहीं वाला। रजत आप महाराष्ट्र में सक्रिय हैं कुछ समय से, ये एक प्रवृत्ति मैं समझना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र के पत्रकारों के पास भी जाऊँगा इस सवाल के साथ, कि ये जो दिल्ली के लिए वर्सेस वाली बात है, ये कांग्रेस में भी पहले रही हुई, भाजपा में भी, जैसे भाई जगताप का बयान देख रहा हूँ या संजय राउत का, कि दिल्ली में दो सुल्तान बैठे हैं, ये जाके मुजरा कर रहे हैं, ये इतना अट्रैक्शन क्यों रहता है इस चीज़ को लेके? देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, छत्रपति शिवाजी महाराज वर्सेस औरंगजेब, जो दिल्ली से चलाने की कोशिश रहती थी उस समय, एक वो नैरेटिव का छोटा मोटा अट्रैक्शन है। और एक ये भी रहता है कि एक सुप्रीमिस्ट एटीट्यूड होता है, और जहां पर भी रीजनल फ्लेवर की पार्टी रही है उसने आर्टिकुलेट करने की, हमेशा इसको शब्द देने की कोशिश करी है, और जितना आप साउथ जाएंगे उतने और ज्यादा एक्सप्रेशन इसको मिलता है। ईस्ट में भी ऐसा है, मतलब हम लोग जब बिहार में देखते हैं तो वहां पे भी ये बात आती है कि ये बिहारी अस्मिता की बात है, ये दिल्ली के सामने नहीं झुकेगी, हमारा DNA है और हमारा DNA दिल्ली के DNA से बेहतर है। तो एक आपको एक विलन बनाने की कोशिश एक निरंतर दिखती रहेगी, विलन नहीं बनेगा तो आप लड़ेंगे किसके खिलाफ? तो लड़ाई में एक विलन होना चाहिए, और अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट करने की और प्रोटेक्टर ऑफ द इंटरेस्ट की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है, उसी का कंटिन्यूम है, और हर स्टेट में हम लोग देखते हैं। कुछ स्टेट्स की खुद की कोई आइडेंटिटी वैसी रीजनल आइडेंटिटी नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी काफी हद तक, तो यहां पर आपको वो चीज नहीं दिखेगी, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में एक स्ट्रीक रहता है। थैंक यू रजत सेठी, आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी में अब बात झारखंड की। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन मंत्रिपरिषद नजर नहीं आई, इसके कारणों की तफ्तीश करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि विपक्षी भाजपा के खेमे में क्या इल्जाम चल रहे हैं, हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जा रहा है। इस सत्र में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान, सनी शरद जी जर्नलिस्ट हैं द फॉलोअप के, और आनंद दत्ता जी, ये भी स्वतंत्र पत्रकार हैं। सनी भाई, पहला सवाल आपसे ही है, कांग्रेस ऐसा क्या मांग रही है जो मंत्रिपरिषद में नहीं दिया जा सकता अभी, और इसलिए शपथ ग्रहण नहीं हुआ उनका, मंत्रियों का? अब बिल्कुल देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी बात को लेकर खटपट है या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है। सरकार एक मजबूत सरकार बनी है, जिस हिसाब से एक जनादेश हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाले इस गठबंधन को मिला है, और वही दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जो कैंपेनिंग की पूरे चुनाव के दौरान, वो शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखना चाहिए। और यही वजह है कि वन मैन शो जो है इसे बनाया गया। हेमंत सोरेन सिर्फ शपथ लिए हैं, 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक यहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुझे लगता है कि उसके बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको याद होगा सौरभ जी, जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे उसके बाद भी इसी तरह किया गया था, सरकार पहले फ्लोर टेस्ट कर लेगी और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। अब जहां तक देरी की बात है, देखिए पूरे विश्वास के साथ किस तरह से गठबंधन के जो साथी हैं वो एक दूसरे से क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर समीकरण तैयार कर सके, वो फॉर्मूला जो है मुझे लगता है कि अभी तैयार किया जा रहा है। आपको, आप जानते हैं कि राहुल गांधी अभी जहां कहीं भी जाते हैं वो SC ST OBC की बात करते हैं,
पिछली बार जो सरकार 5 साल तक रही, हेमंत सोरेन रहे, चंपई सोरेन रहे, फिर हेमंत सोरेन रहे, इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस कोटे से एक भी एससी कोटे के मंत्री नहीं थे। तो इस बार कांग्रेस का प्रयास है कि एससी कोटे के मंत्रियों को जगह दिया जाए। तो इन तमाम हितों को साधते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट, जिस तरह से विशेष सत्र, कल हेमंत सोरेन ने जैसे ही शपथ लिया उसके बाद तुरंत वो कारभार संभाले, प्रोजेक्ट बिल्डिंग पहुंचे और उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, और कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए, जिसमें एक जो माना ही जा रहा था कि कब विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसमें 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस दौरान जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद ही अब कैबिनेट का विस्तार कहा जा सकता है। और कई तरह की चर्चाएं हैं, चर्चा है कि हो सकता है कि नाराजगी हो कई चेहरों पर, जो है हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सहमति नहीं मिल पा रही हो या कांग्रेस खुद सहमति तैयार नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के अंदर भले ही समीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर एक मजबूत कहा जा सकता है कि रणनीति तैयार करने की और मजबूत चेहरा खोजने की कोशिश जरूर हो रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। मुझे लगता है कि ये जो बीच का समय है, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं और 9 से 12 तक का जो सत्र है, इस बीच में सब कुछ सुलझा जरूर लिया जाएगा। कि आनंद दत्ता जी, उप मुख्यमंत्री को लेकर कुछ टसल हुई क्या कांग्रेस जेएमएम के बीच? शुरुआत में चर्चा हुई, लेकिन जब कांग्रेस के सूत्रों से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। लेकिन जब 26 तारीख को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी सीएम आवास पे, इसके बाद कांग्रेस के सभी 30 प्रत्याशी जो चुनाव में जीते और जो हारे, सबके साथ रांची के एक होटल में कांग्रेस के राज्य समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो केशव महतो कमलेश हैं, उन्होंने साफ तौर पर विधायकों से और संभावित मंत्रियों से कहा कि पिछली बार जो हमारे मंत्री थे वो सरकार हेमंत सोरेन के एक करीबी आदमी, जिनसे बातचीत करके वो ये समझ लेते थे कि हमने हेमंत सोरेन से बातचीत कर लिया है, हमारा और पार्टी का काम या मंत्रिमंडल का जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा। उन्होंने साफ संदेश दिया कि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप पार्टी से हैं, पार्टी आपसे नहीं है, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा आप अपने कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र के लोगों की सुनेंगे, जो कि पिछली बार कोऑर्डिनेशन में कमी रही थी, जिसका अंदेशा था कि रिजल्ट पर असर पड़ेगा, हालांकि वो हुआ नहीं। लेकिन सावधानी बरतते हुए इस मतलब जो अगले 5 साल की जो सरकार होगी उसमें जो भी मंत्री होंगे वो जनता की और पार्टी के लोगों की सबसे पहले सुनेंगे। ओके, दूसरा एक सरयू राय का इंटरव्यू बहुत चर्चा में हो रहा है, भाजपा के खेमे में क्या चर्चा है? भाजपा के खेमे 2-3 लेवल पे चर्चा हो रही है सर। पहला ये कि अधिकतर जो जीते हुए विधायक हैं और कुछ हारे हुए भी प्रत्याशी, वो इसके लिए बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और उनका मानना है कि जिस एग्रेशन के साथ हेमंत सोरेन मोर्चे पर खड़े थे उस बाबूलाल मरांडी कहीं दिखाई नहीं दिए। के लिए ये चर्चा है कि प्रदेश जो नेता मतलब विधायक दल के नेता होंगे उसमें उनके नाम का अगर भले ही आला कमान कह दे तो बीजेपी के बाकी नेताओं की हिम्मत नहीं कि उस पर उंगली उठाए या सवाल उठाए, लेकिन अपने स्तर पर विधायक जो कर सकते हैं वो ये करने में जुट गए हैं कि नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी को, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को ना चुना जाए। इसके अलावा जो हजारीबाग के सांसद हैं मनीष जायसवाल, वो इस वक्त संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली में है, और मेरे पास जो सूचना आई है आज कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी अपने लिए लॉबिंग करना शुरू कर चुके हैं, कुछ विधायकों से उनकी बातचीत हुई है, वो विधायक इस पक्ष में तैयार भी है। लेकिन ये सब कुछ होगा कल जब भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक है रांची में, उसमें समीक्षा की जाएगी, उसके बाद 3 तारीख को दिल्ली में फिर बैठक है। लेकिन एक सीक्रेट मीटिंग जिसकी जानकारी पार्टी के कुछ लोगों को है, मीडिया में फिलहाल नहीं है, वो ये कि आज कुछ नेताओं की झारखंड बीजेपी कुछ नेताओं के दिल्ली के बड़े नेताओं दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि अब मीटिंग जो होनी है समीक्षा बैठक उसकी रूपरेखा क्या हो और आगे की रणनीति क्या हो। तो मोटा मोटी दिल्ली के नेता अभी अनुमान ले रहे हैं कि पार्टी के अंदर में क्या हलचल है, और प्रदेश में ये हलचल अभी चलनी शुरू हो चुकी है। ठीक रहा, डायरेक्ट नहीं फोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरयू राय ने कहा है कि सरयू राय ने कहा कि मैंने चुनाव के दौरान जब हम दिल्ली में हमारी मुलाकात हेमंत बिस्व शर्मा से हुई, मैंने उनसे साफ तौर पर कहा था कि संथाल के जो मुद्दे हैं, खासकर अवैध बांग्लादेशी के मुद्दे, वो वहां के लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिए। अगर आप असम में बोल देंगे, रांची में कोई नेता बयान दे देंगे तो उसका कोई बहुत मतलब रहेगा नहीं। तो बीजेपी के दिल्ली के नेता जो है वो तो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन प्रदेश के जो नेता है वो मुझे अछूत मानते हैं।
तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि बीजेपी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। ये मोटा मोटी लबुल वाब उनके कहे का था। ओके, रघुवर दास काफी समय से बगल के ओडिशा के राजभवन में बैठे हुए अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वापस लाया जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि इस हार की बिना पर बड़े स्तर पर ओवरहॉलिंग हो सकती है पार्टी की, और जो पुरानी लीडरशिप है जिसमें अर्जुन मुंडा जो लोकसभा हारे, उनकी पत्नी विधानसभा हारी, बाबूलाल मरांडी, अब इन सबको किनारे करके नई लीडरशिप को असर्ट किया जा सकता है। सनी जी, इस तरह की कोई चर्चा संभावना? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो खास करके रघुवर दास के समर्थक हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जरूर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि रघुवर दास की वापसी हो सकती है, और रघुवर दास की वापसी होने के बाद ही यहाँ कहीं ना कहीं अब बीजेपी मजबूत हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि सौरभ जी, चुनाव परिणाम को आप देखिएगा, जिस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर घेरा गया है और उसके बाद जिस हिसाब का परिणाम आया है, उससे साफ है कि अब देखिए यहाँ पर एक तरह की जो राजनीति अब होनी है और जिसको लेकर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव के परिणाम को आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि जो खास करके एसटी वोटर हैं वो बीजेपी से पूरी तरह से कट गए हैं। अगर 2019 के चुनाव परिणाम से 2024 के चुनाव परिणाम की तुलना कीजिएगा तो उस समय यही माना जा रहा था कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में रघुवर दास ने छेड़खानी करने की कोशिश की और यही वजह है कि उसका नुकसान उन्हें देखना पड़ा 2019 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन 2024 के विधानसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव से भी खराब प्रदर्शन रहा। 2019 में 2 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी जीत कर आई थी और वो खूंटी और तोरपा था जो दक्षिणी छोटा नागपुर के इलाके में आता है। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 एसटी रिजर्व सीट बीजेपी जीत कर आई और वो सरायकेला, वो चंपई सोरेन की सीट थी, सिर्फ वही सीट बाबूलाल मरांडी जीत कर आए, वो जनरल सीट आता है। तो इसलिए अब माना जा रहा है कि अगर आदिवासी वोटर सचमुच में बीजेपी से कट गए हैं, अगर उन कोई भी हित साध कर उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या आदिवासी और गैर आदिवासी की राजनीति करना यहाँ पर सही रहेगा? उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है सोच रही है। रघुवर दास जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद और चुनाव के दौरान भी कई बार जमशेदपुर में रहे, उनकी बहू चुनाव जीत कर आई। इसके अलावा आप देखिए कि जितने बड़े नेता हैं उनके परिवार के लोग चुनाव नहीं जीत पाए। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से चुनाव हार गई, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव हार गई, लेकिन रघुवर दास ने अपनी वापसी की है। क्योंकि इस 5 साल के दौरान झारखंड के खास करके जो जनरल वोटर हैं उन्होंने रघुवर दास को याद किया, मिस किया, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया रघुवर दास थे, रघुवर दास रहते तो ये होता, खास करके नौकरी और रोजगार के मसले को लेकर। क्योंकि बीजेपी अक्सर गिनाती रही कि रघुवर दास की सरकार में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई और इस सरकार को कहीं ना कहीं सिर्फ नौकरी के मसले को ही लेकर घेरा गया। तो इसलिए चर्चा है, उम्मीद भी है कि हो सकता है कि रघुवर दास की वापसी हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या जब बीजेपी इतने संकट में है तो उस समय रघुवर दास यहाँ लौटने का रिस्क ले पाएंगे? वो भी तब जब अभी का जो पीरियड है वो कूलिंग पीरियड माना जाता है चुनाव के बाद, चुनाव से लेकर कम से कम फिर 4 साल तक, उसके बाद 1 साल पहले चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो रेस होती है, तो क्या 4 साल ऐसे आकर रघुवर दास यहाँ पर बिताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि फिलहाल किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा जो कूलिंग पीरियड में समय को खींच सके, उसके बाद बीजेपी फिर आगे की रणनीति तैयार करेगी। ऐसी चेहरा बीजेपी जिस पर दांव लगा सके, दे डेस्परेटली नीड अ गुड फेस। सनी जी, देखिए फिलहाल तो कोई ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं दिख रहा है। एक तो चंपई सोरेन को लाया गया इसी उम्मीद के साथ कि वो आएंगे तो कोल्हान में कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन कोल्हान में वो कमाल दिखा नहीं पाए। बाबूलाल मरांडी पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों पर भरोसा पार्टी ने किया, लेकिन उस हिसाब से परिणाम आ नहीं पाया। अब इसके अलावे आप देखिए कि जितने भी आदिवासी चेहरे हैं, बीजेपी एसटी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समीर उरांव, जो बिशुनपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और माना जा रहा था कि ये सीट जो है बीजेपी इस बार जीत सकती है, लेकिन बिशुनपुर सीट से वो 32,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें लोहरदगा सीट से उम्मीदवार बनाया, वहां पर भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत से चुनाव हारे। तो इसके अलावे जो खास करके आदिवासी फेसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कमाल कर पाएंगे। अर्जुन मुंडा का नाम आता है, अर्जुन मुंडा जो खूंटी में लोकसभा का चुनाव लड़े वो चुनाव हार गए, उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव पोटका से लड़ी वो हार गई। अभी एक आशा लकड़ा है जिन्हें पार्टी जो है अभी अनुसूचित
जाति का जो ये है उसमें मेंबर बनाकर रखी हुई है, इस चुनाव में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, तो वो उनका उनकी वापसी हो सकता है कि लाए, लेकिन बहुत प्रभाव मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। इसके अलावा और कई चेहरे हैं जिस पर पार्टी विचार कर सकती है। मधु कोड़ा को भी यही सोचकर लाया गया कि उनके आने से उनकी पत्नी गीता कोड़ा जो चाईबासा से सांसद रही है कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप समझिए कि लोकसभा चुनाव गीता कोड़ा हारी, फिर अभी जगन्नाथपुर सीट से जो है वो सोनाराम सिंह को जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एक समय वो गीता कोड़ा के ऑफिस में काम करते थे, वो जो है इस विधानसभा के चुनाव में गीता कोड़ा को जो है पटकनी दे दिए। तो इस हिसाब से हर सीट पर और हर बड़े बड़े चेहरे को कहीं ना कहीं पटकनी दिया गया है। सौरभ जी, हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर जीत की सबसे बड़ी वजह और इस प्रचंड जीत की सबसे बड़ी वजह क्या रही, और हम लोग अभी आदिवासी चेहरे पर बात कर रहे हैं। पांच जो बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के जो इस चुनाव में प्रभाव छोड़ सकते थे, उन पांच चेहरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उनके ही इलाके में घेरा गया। अब देखिए कि बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार से चुनाव लड़ते हैं, वहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए निरंजन राय, और निरंजन राय जब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए चुनाव से दो तीन दिन पहले तक, तब तक बाबूलाल मरांडी वहां से निकलकर कहीं बाहर नहीं जा पाए, वो वहीं पर फंसे रहे। अमर बावरी जो चंदन क्यारी सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो पूरे चुनाव में कहीं भी कैंपेनिंग नहीं की अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर। एससी का सबसे बड़ा चेहरा झारखंड का नेता प्रतिपक्ष अपने विधानसभा सीट को छोड़कर दूसरे जगह नहीं जा पाया। तीसरा बड़ा चेहरा मधु कोड़ा, मधु कोड़ा की पत्नी जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही थी गीता कोड़ा, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा अपनी सीट को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाए। अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका से लड़ रही है, अर्जुन मुंडा बड़ा चेहरा, अर्जुन मुंडा कम से कम फर्स्ट फेज तक कहीं भी निकल कर नहीं जा पाए, वो सेकंड फेज में गए भी तो एक या दो जगह जा पाए। तो इन तमाम बड़े चेहरों को एक ही जगह पर फिक्स करके रखा गया, उन्हें निकलने नहीं दिया गया। निकला कौन? सिर्फ दो लोग, और वो दो लोग थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। अब देखिएगा सौरभ जी, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का जो चुनाव हुआ यहाँ पर, फर्स्ट फेज में जेएमएम की तरफ से एक ही नारा दिया गया कि एक ही नारा हेमंत दोबारा, लेकिन जैसे ही दूसरा फेज हुआ, दूसरा फेज जैसे ही संथाल परगना की तरफ फिक्स हुआ, संथाल परगना में एक नारा जो है हेमंत सोरेन की तरफ से अक्सर लगाया गया कि अक्सर दो ओकया अबुआ अबुआ, इसका मतलब है कि तीर धनुष मेरा है। ये रणनीति के तहत किया गया कि हेमंत सोरेन जब संथाल के इलाकों में भाषण दे रहे थे, जब हिंदी में बोल रहे थे तब वो विकास पर बात करते थे, और जब संथाली में बोल रहे थे तब वो बताते थे कि किस तरह बाहरी लोग आकर हम लोगों के तीर धनुष को छीनने की कोशिश की जा रही है। तीर धनुष को संथाल परगना में पूजनीय माना जाता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाभि जो है उसी तीर से काटा जाता है, तो वो उसके सामने कहीं भी बीजेपी टिक नहीं पाई, और अब जो है उसका काट मुझे लगता है कि निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादा कोशिश इसी बात को लेकर है कि आदिवासी चेहरे से ज्यादा गैर आदिवासी चेहरे और खास करके ओबीसी वोटरों को कैसे साधा जा सके, उसी रणनीति पर बीजेपी अब आगे काम कर रही है और करेगी। सनी जी कह रहे हैं कि अभी कुछ समय वेट एंड वॉच होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड है, ऐसे में क्या जयराम महतो एग्रेसिव विपक्ष की भूमिका एक अकेले विधायक के दम पर निभा पाएंगे? आनंद दत्ता सर, आज मेरी उनके करीबी लोगों से बातचीत हो रही थी सुबह, मैंने कहा कि उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो खुद के लिए तय कर रहे हैं, तो उनके लोगों ने साफ कहा कि वो ना तो पक्ष में रहेंगे ना ही विपक्ष में रहेंगे, वो मतलब तटस्थ होकर जनता की आवाज उठाएंगे। हमने कहा इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि जिस भूमिका में सरयू राय पिछली सरकार में थे उसी भूमिका में ये रहेंगे इस सरकार में, यानी जनता के जो मुद्दे होंगे चाहे उसके लिए कभी सरकार के साथ जाना पड़े तो जाएंगे। और इसका एक छोटा सा मैसेज उन्होंने कल जब शपथ ग्रहण समारोह था वो मंच पर जाकर और जनता से जनता का अभिवादन लेकर उन्होंने दिखाया भी है। मैं एक और चीज की तरफ बताना चाह रहा था कि आदिवासी के मोर्चे पर बीजेपी को अभी एक दो झटके और लगने हैं। ऊंटी के जो प्रत्याशी थे नीलकंठ सिंह मुंडा, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जा रहे और पिछले विधान कुछ समय तक उनको सीएम का फेस ही माना गया, इस विधानसभा चुनाव के दौरान वो एक बेहद करीबी पत्रकार के साथ चर्चा कर रहे थे और उन्होंने जो भाजपा के जो राज्य में हालात हैं उसके लिए उन्होंने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा इन सबको जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड बातचीत थी उनकी और संभावना ये इस वक्त जताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर उनको अपनी राजनीति सुरक्षित रखनी है तो उन्हें जेएमएम में ही आना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के वक्त चूंकि खूंटी के जो कांग्रेस सांसद है नीलकंठ सिंह मुंडा, वो उनके अपने भाई हैं नीलकंठ सिंह मुंडा के, कालीचरण मुंडा, तो कालीचरण मुंडा ने ये कोशिश की थी कि इनको जेएमएम की तरफ से टिकट दिलवा दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। दूसरी बातचीत थनी भाई आशा लकड़ा का जिक्र कर रहे थे,
तो आशा लकड़ा को तैयार किया जा रहा था इन्हीं सब चीजों के लिए, लेकिन इस तैयार करने के दौरान उनको लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राज्य का चुनाव प्रभारी बनाकर भी भेजा गया, हरियाणा चुनाव के वक्त ऑब्जर्वर बनाकर भी भेजा गया था। लेकिन पार्टी के अंदर जो खबर है वो ये है कि उनके कुछ करीबी लोगों द्वारा बंगाल चुनाव के वक्त में कुछ आर्थिक अनियमितता उनके लोगों द्वारा किया गया, जिस वजह से पार्टी तत्काल उनके ऊपर और कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले 10 बार सोचेगी। तो ये फिलहाल बीजेपी के मतलब अंदर अभी काफी संकट से जूझेगी। और आज सुबह ही जब एक पार्टी के प्रवक्ता से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि ट्राइबल 8-10 सीटों पर हमारा फोकस होना चाहिए और बाकी नॉन ट्राइब सीटों पर ओबीसी एससी बाकी सीटों पर अगर हमारी पार्टी फोकस करती है, और उसको देखते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता विधायक दल अगर चुना जाता है तो अगले विधानसभा चुनाव के वक्त तक हम कुछ चेंज या अपने लिए माहौल बनते हुए देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब सोरेन परिवार की सदारत तो डन एंड डस्टेड हो गई, सीता सोरेन पहले ही बगावत कर चुकी हैं, भाजपा में चली गई, चुनाव भी हार गई लोकसभा विधानसभा, बसंत सोरेन को भी अब समझ में आ गया है कि ही इज नॉट अ चैलेंजर, हायरार्की बिल्कुल क्लियर है, हेमंत सोरेन एंड कल्पना सोरेन। आज के अखबारों में देख रहा था कि कल्पना सोरेन के पिताजी का बयान छपा था, उनका कहना था कि कल्पना को भी मंत्री नहीं बनना चाहिए, जनता के बीच में रहकर सेवा करनी चाहिए और सिस्टम को पूरी तरीके से समझना चाहिए। अब जब हेमंत सोरेन बाहर गए थे सत्ता से, तो उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य यानी कि बसंत सोरेन को सिस्टम में रखा था ताकि परिवार का एक आदमी सिस्टम में बना रहे। अब जब वो खुद सिस्टम में सीएम के तौर पर रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बसंत सोरेन या कल्पना सोरेन को वो मंत्री परिषद में रखेंगे या वो उनके लिए मुफीद भी होगा रखना। तो फिलहाल तो मंत्री परिषद वाले दृश्य से ये दोनों ही गायब रहेंगे। जी सनी जी, कौन से चेहरे होंगे सीएमओ के जो सरकार चलाएंगे, नौकरशाह सलाहकार, नाम बताइए सर। देखिए, नौकरशाह और सलाहकार दोनों में कई बड़े नाम हैं, और सौरभ जी अभी गौर कीजिएगा तो जितने पुराने चेहरे थे खास करके नौकरशाह के, उन्हें फिर से वापस लाया गया चुनाव आयोग के आदेश के बाद। झारखंड के जो प्रभारी डीजीपी थे अनुराग गुप्ता, उन्हें हटाया गया था और उनके जगह पर अजय सिंह को डीजीपी बनाया गया था। एक बार फिर से अनुराग गुप्ता को जैसे ही मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला, उन्हें झारखंड का डीजीपी बना दिया गया। रांची के जो डीसी थे चुनाव से पहले मंजूनाथ भजंत्री, उन्हें हटाया गया था, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के बाद उन्हें हटाया गया था। अभी हेमंत सोरेन पदभार ग्रहण करते ही फिर से उन्हें रांची के डीसी बना दिए गए हैं। देवघर के एसपी का तबादला किया गया था चुनाव आयोग के निर्देश के बाद, डुंगडुंग साहब को, उनको फिर से देवघर का एसपी बना दिया गया है। तो देखिए, एक मैसेज तो कल की कैबिनेट के बाद तुरंत हेमंत सोरेन ने दे दिया कि मैं जैसा था उसी हिसाब से काम करूंगा और उसी रफ्तार से काम करूंगा। जेल से आने के बाद 3 महीने में जो रफ्तार सरकार के कामकाज में दिखी थी, वो रफ्तार उसी रफ्तार के साथ अब कामकाज किया जाएगा। 8 प्रस्तावों पर कल कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी और उन 8 प्रस्तावों को सौरभ जी जब बारीकी से पढ़ा जाएगा तब लगेगा कि सरकार आखिर किस दिशा से और किस स्पीड से काम करने वाली है। उस 8 प्रस्ताव में 1,36,000 करोड़ का भी जिक्र है, उस प्रस्ताव में जेपीएससी जेएसएससी की एग्जाम कैलेंडर का भी जिक्र है, उस प्रस्ताव में सिपाही की नियुक्ति का भी जिक्र है, उस प्रस्ताव में ये भी जिक्र है कि असम में जो ट्राइबल झारखंड के रहते हैं उनकी क्या स्थिति है, उसका अध्ययन करने के लिए यहाँ से लोग जाएंगे। आप समझिए कि मतलब पूरे झारखंड के चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते रहे, अब असम को घेरने और असम के मुख्यमंत्री को घेरने की तैयारी और रणनीति कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। अब जो चेहरे की बात आनंद दत्ता जी कर रहे थे और जिस बयान का उन्होंने जिक्र किया, कल ही मैं उनका इंटरव्यू किया था कल्पना सोरेन के पिताजी का, और मेरे ही इंटरव्यू का जिक्र आज प्रभात खबर में यहाँ पर छापा है। उन्होंने चूंकि मुझसे बात की थी इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, और उन कल्पना सोरेन के पिताजी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो, वो जनता के साथ ऐसे ही जुड़ी रहे और जनता के साथ मिलकर काम करे। और मुझे इसकी संभावना इसलिए ज्यादा लग रही है सौरभ जी, क्योंकि अभी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, वहां कल्पना सोरेन से जब मैं इंटरव्यू करना चाहा तो कल्पना सोरेन ने इंटरव्यू में कहा कि अब मैं नहीं बोलूंगी, आप सर से बात कीजिए। मतलब कल्पना सोरेन अपना काम कर चुकी हैं, अब फ्रंट फुट पर फिर से हेमंत सोरेन आ गए हैं और हेमंत सोरेन ही खेलेंगे, और अब कल्पना सोरेन को जो कुछ भी करना था कर लिए, लेकिन रणनीति जो बनाई जानी है और जो बैक स्टेज जो काम होना है उसमें कल्पना सोरेन की भूमिका मुझे लगता है कि सरकार में अहम होनी है। थैंक यू। झारखंड पर चर्चा यहीं समाप्त होती है और समाप्त होता है आज का नेता नगरी। आप बताइए, कयासबाजियों से तर आपको क्या लग रही है देश की दशा और दिशा,
जल्द ही फिर से चुनाव की बारी आएगी, लेकिन संसद का सत्र भी शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर कुछ काम हो ताकि काम की बात हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।